सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट्स इन नारुतो। अभी ये सारे शॉकिंग मूवमेंट्स या बोलू प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देख लेना। तो हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं विद रैंकिंग नंबर 5। तो नंबर 5 पर आता है काकाशी शरिंगन। सच बता रहा हूँ, जब मुझे पता चला कि काकाशी का शरिंगन है वो उसका नहीं बल्कि ओबिटो उचिहा का, एंड वो भी ओबिटो ने सिर्फ अभी अभी उसे अवेकन किया है या बोलूं अनलॉक किया है। इतने में ही काकाशी को बचाते बचाते खुद एक पत्थर के नीचे दबा जाता है एंड उसका शरिंगन काकाशी को दे देता है। ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन भी था। तो हाँ, अभी बढ़ते हम रैंकिंग नंबर 4 पे मैं रखना पसंद करूंगा ओबिटो वाज नॉट द मादरा। फाइका के मीटिंग में ओबिटो ने अपना नाम मादरा जैसे अनाउंस किया था एंड उससे पहले से भी वो अपना नाम मादरा जैसे ही कहता था। तब वो नागाटो से मिला था तब भी वो अपना नाम मादरा ही यूज किया था एंड इसने तो 4th ग्रेड निंजा वॉर भी अनाउंस किया था एंड सारे लोग डर रहे थे क्योंकि ये मादरा था। लेकिन जब असली मादरा रियानिमेट हुआ था तब भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा शॉक लगा सबको, चाहे वो ग्राउंड के अंदर फाइट करते हुए शिनोबिस हो या फिर हम उसे देखते हुए ऑडियंस। तो हाँ, अभी बढ़ते हैं हम रैंकिंग नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मैं रखना पसंद करूंगा टोबीज ट्रू आइडेंटिटी। वेल, आप सभी को पता है कि टोबी कितना ज्यादा फनी कैरेक्टर है, लेकिन उस फनी कैरेक्टर से एकदम से सीरियस वॉइस में लाना, सीरियस कैरेक्टर आ जाना भाई बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। मैं बात कर रहा हूँ वो सीन के बारे में जब टोबी सीरियसली बात कर रहा होता है पेन के साथ एंड बाद में जब काकाशी के साथ लड़ता है हमें ये पता चलता है कि वो टोबी नहीं बल्कि ओबिटो है। एंड सच बता रहा हूँ, बिना स्पॉइलर के जब तुम ऐसा सीन देखते हो भाई मजा आ जाता है। तो हाँ, अभी हम बढ़ते हैं रैंकिंग नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे मैं रखना पसंद करूंगा जेत्सु स्टैब्स मादरा। वेल, ये सीन कौन ही भूल सकता है भाई। ऑलमोस्ट मादरा का लीडिंग टाइम था, रूल कर सकता था वो सब कुछ, लेकिन भाई पीछे से ब्लैक जेत्सु जब स्टैब करता है सब कुछ खत्म। एंड इसके बाद कागुया आना, नारुतो एंड सास्के वर्सेस कागुया चलना, वो सब भाई बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसे बाजू रखते हैं, सिर्फ मादरा के बारे में बात करते हैं। मतलब वो सिर्फ 2 मिनट पहले इतना खतरनाक था, कोई उसे हरा ही नहीं पा रहे थे, ऑलमोस्ट इनविंसिबल था भाई, एंड अभी सिर्फ ब्लैक जेत्सु ने पीछे से स्टैब किया एंड सब कुछ खत्म। ये शॉकिंग मूवमेंट यही पे खत्म नहीं होता, और भी आगे जाकर ब्लैक जेत्सु कौन है ये वाला चीज जानकर और भी बड़ा शॉकिंग चीज हो जाता है। तो अभी हम बढ़ते हैं नारुतो का बिगेस्ट ट्विस्ट की ओर। नंबर 1 पे आता है इताचीज ट्रूथ। सच बता रहा हूँ भाई, इतना जबरदस्त ट्विस्ट था भाई, मैंने आज तक ऐसा ट्विस्ट बहुत कम देखे। एंड तुमने भाई अगर इस चीज को बिना स्पॉइलर के देखो भाई बहुत रेयर हो तुम। मतलब किसी ना किसी को एक पॉइंट पे स्पॉइलर मिल ही जाता है कि इताची अच्छा है, एंड अगर तुम्हें नहीं मिला तो भाई बहुत लकी हो तुम। तो हाँ, यही थे मोस्ट बिगेस्ट शॉकिंग फैक्ट्स या बोलूं प्लॉट ट्विस्ट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आगे वीडियो आने में अभी थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मेरे पढ़ाई चल रहे, एग्जाम्स आने वाले, देर तो हो सकती है लेकिन वीडियो जरूर आएगी। तो हाँ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।